हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। मैं आपको फिर से उसी टाइप की वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं जो खास कर माँ की कसम देते हैं, जो कहते हैं ये कहते हैं, सुनिएगा वीडियो में आप। देखो, उसे मैकेनिक समझ लेती है और उसे बुरा भला सुनाने लगती है और बोलती है कि तुम तो कह रहे थे कि तुम शोरूम के मालिक हो लेकिन तुम तो मैकेनिक निकले। तो ये लड़का उसे अंदर चलकर सब समझाने की बात बोलता है लेकिन लड़की उसकी सुने बगैर ब्रेकअप करके चली जाती है। कुछ दिनों बाद देख के खुश हो रही है लेकिन अचानक स्टेज पे एक गांडू आ जाता है और बाकी सब जैसे गायब ही हो जाते हैं। अब कोई उस गांडू को देख के खुश हो रहा है कि वाह क्या गांडू है, तो किसी के बबूला का बुबालू फट रहा है कि ये गांडू यहाँ कैसे आ गया। लेकिन सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गांडू पे है। अब ये गांडू आकर्षक है कि खतरनाक, बस इसी चीज की लड़ाई है इन शब्दों की। बेंचो, मैं वो गांडू नहीं हूँ, फालतू कनेक्ट मत मारो। फिर लोग कहते हैं गालियों से पैसे कमा रहा है। बॉयफ्रेंड को वहाँ देखकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो ये बताता है कि उसकी यहाँ एक मीटिंग थी। ये सुनकर वो लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मैकेनिक की भी कोई मीटिंग होती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे लेने आने वाला है और वो एक कार शोरूम का मैनेजर है। तभी वहाँ एक मर्सिडीज आकर रुकती है जिसमें से लड़की का बॉयफ्रेंड उतरकर कार का दरवाजा खोलता है, तो ये लड़की कार की तरफ बढ़ती है। उसके बाद तो कुछ ऐसा, कुछ ये बात भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये कुछ ऐसे वीडियो का एक्सप्लेन भी करते हैं जो वीडियो की पहले से समझाया थी, आसानी से देख के उसको समझा जा सकता, उस टाइप की वीडियो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं। और जब बीच में एक खास करके अब ये लोग एक ऐसा वीडियो बनाए जो आप लोग को देख के बहुत हंसी आएगी। आप देख सकते हैं इस टाइप की वीडियो को, जो कहते हैं खास कर क्या बोलूँ, मुझे भी बहुत गुस्सा भी आता है लेकिन सोचता हूँ चलो कुछ तो काम आया। और शरीफ पना चोदने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, और ऐसा करता है पीठ पीछे। जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ जानने से पहले केवल भाई लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट में लव यू मॉम लिखना मत भूलना। जब ये कार तक पहुंचती है तो इसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं, अपने बॉस के लिए खुला है। जो चलो यार, बस आज के लिए बहुत ज्ञान चोद लिया। मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें ये वीडियो समझ जैसा है, जिससे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, बस सजावट के लिए लगा रखा है। अब खास करके कि जिसको मेरी वीडियो पसंद आए, उस जो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इस तरह के वर्ड या शब्द आपको सुनने को मिलते हैं जो आप लोगों को बहुत अंदर से गुस्सा भी आता है। अगर आप लोग का ऐसी कुछ वीडियो अगर आपको दिखे या कुछ पता हो तो मैं इंस्टाग्राम चैनल पर आप हमको मैसेज करके भेज सकते हैं, जिससे मैं उन लोग। तो दोस्तों, आपने देखा है कि कुछ इस टाइप के वीडियो जो क्या कहते हैं, कुछ खास वीडियो भी नहीं रहती है, जो कहते हैं आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन खास के उन वीडियो में एक्सप्लेन करके अपने व्यू बढ़ाने के लिए जो कहते हैं नौटंकी करते हैं, नौटंकी जो ये लोग करते हैं माँ की कसम। और एक वीडियो तो क्या बताऊँ उसके बारे में मैं आपको। तो अभी पब्लिक ने तेरी कम मारी है, जो तू चाहता है कि ये पब्लिक भड़क जा रहे और तेरी पूरी अभी से ही चालू कर दे तेरी मारना। हा, तेरे एक के वजह से सबके लौड़े लग गए उधर, जितने भी टिकटॉकर है सबके लौड़े लग गए तेरे एक के वजह से। को समझ आता है कि चोर और ये लड़की दोनों मिले हुए थे। उसके बाद तो कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ जानने से पहले केवल वही लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अपने पापा से सच्चा प्यार करते हैं, और कमेंट में लव यू डैड लिखना मत भूलना। इधर जब ये लड़का चोर का पीछा कर रहा था तो कुछ दूर भागने के बाद चोर लड़की का पर्स रोड नहीं है तुम्हारे घर पे, ऐसे लोगों को पकड़ के मारो ना मादरचोद, मारो ऐसे लोगों को, इसकी माँ का भोसड़ा इन लोग की, यही वो। उसको कहीं जगह नहीं छोड़ा। माँ से अधिक प्यार करते हैं तो मैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो, बाप को प्यार करते हैं तो मैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, भाई को प्यार करते हैं तो मैं वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करो। अजीब है यार, हद पार कर दिया हर एक चीज़ का, जो हद होता है ना उसको पार कर देता है लोग, समझ से बाहर ही कहते क्या है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, एकदम होता है ना लिमिट क्रॉस। तो आप लोग इस वीडियो को जोक की तरह, आप मतलब मजाक की तरह इस वीडियो को आप लोग एंजॉय कीजिए। आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो लाते रहूँगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद हो तो प्लीज़ मैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, मेरे दोस्तों तक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए भी अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूँ।